अकेला पड़ गया कनाडा। पाकिस्तानी शासन का तो साथ मिला, लेकिन पाक आवाम ने भारत को चुना, भारत का ही झंडा बुलंद किया, पाक आवाम ने कनाडा को खूब कोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कनाडा ने शायद सोचा होगा कि वो सबसे अलग भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा तो शायद उसे अन्य देशों का भी साथ मिल जाएगा, लेकिन ये क्या, साथ आया भी तो पाकिस्तान, जिसमें भी सिर्फ शासन ने भारत के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया, बाकी पाकिस्तान की आवाम ने तो मोदी के भारत के पक्ष में ही झंडा उठाया। कनाडा भारत के बीच विवाद में पाकिस्तान की आवाम भारत के साथ खड़ी है। यकीन न हो तो ये रिपोर्ट देखिए। चाहे कितनी ही दुश्मनी मोल क्यों ना ले ले, भारत को चाहे कितनी ही लानत मलानत क्यों ना भेज दे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भारत का जलवा देख लिया है। पाकिस्तान की आवाम ने भारत की ताकत को जान लिया है। पाकिस्तान की आवाम ने भारत की शक्ति को पहचान लिया है। नरेंद्र मोदी के भारत के सामर्थ्य को समझ लिया है। तभी तो जब कनाडा और भारत के बीच में हो रहे विवाद में, जहां यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत को लेकर बौखला रहे, पूर्व विदेश मंत्री जहां भारत को हिंदू आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं नेताओं से अलग पाकिस्तान की आवाम भारत के लिए प्यार भेज रही है। कनाडा और भारत के बीच के विवाद में भी भारत के साथ ही खड़ी नजर आ रही। दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें यूट्यूबर ने कनाडा भारत विवाद पर पाकिस्तान की आवाम से सवाल किया। यूट्यूबर ने पूछा, भारत कनाडा विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, जिसका जवाब जब आप जानेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। पाकिस्तानी आवाम ने नाम कनाडा कर लिया है, मतलब ये कि कनाडा ने जो भारत के खिलाफ कई तरह के आरोप मढ़े हैं, उस पर पाकिस्तान की जनता के हिसाब से तो नुकसान भारत का नहीं होगा बल्कि कनाडा का ही होगा। एक पाकिस्तानी युवक ने तो कह दिया कि इस विवाद में कनाडा अकेला पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत दुनिया के ताकतवर देश खड़े हैं। इस पर फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अगला सवाल किया, पूछा, अगर भारत की जगह पाकिस्तान होता तो क्या दुनिया भर के देश ऐसे ही साथ देते? इस सवाल पर पाकिस्तानी आवाम का जवाब था, कभी नहीं। फिर एक पाकिस्तानी ने आगे आकर कहा, आज दुनिया भर के देश भारत के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। अमेरिकी लोग भारत में जाकर बिजनेस कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में भारत के साथ आज भी सभी खड़े हैं। मौजूदा समय में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान का युवा नौकरी चाह रहा है जो मिल नहीं पा रही है। वहीं एक पाकिस्तानी युवक आगे आकर यहां तक कह रहा है कि हम इंडिया से अलग क्यों हुए। जी, अब बात यहाँ तक आ चुकी है। पाकिस्तानी आवाम बहुत बार कहती देखी गई है कि पाकिस्तान का भारत से अलग होना ही गलत था, या फिर उस समय भारत से पाकिस्तान के अलग होने का जिसने विरोध किया था वो सही था। ये चर्चाएं पाकिस्तान के बीच में काफी आम हो चली है। अब पाकिस्तानी युवक ने कहा है, हम इंडिया से अलग ही क्यों हुए, मुझे अफसोस होता है। अगर आज हम भारत में होते तो इस हाल में नहीं होते। जिस तरह से कनाडा आज अकेला पड़ गया है, आगे चलकर वो इस विवाद से पीछे हट जाएगा। ये भविष्यवाणी भी पाकिस्तानी आवाम की तरफ से कर दी गई है कि अब कनाडा जल्द ही इस विवाद से पीछे हटने वाला है। खैर, पाकिस्तान के इस रवैये पर, पाकिस्तानी आवाम के भारत की तरफदारी करने पर, पाकिस्तानी आवाम के यूं भारत की मोदी सरकार के साथ खड़े होने पर और भारत पाकिस्तान बंटवारे को ही कोसने पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।